मार्कशीट में हमने दशमलव के जोड़ के बारे में पढ़ा था और दशमलव के बारे में पढ़ा था, वो वर्कशीट नंबर 10 थी। आज हम वर्कशीट 11 में दशमलव के घटाने के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ना है वो हमने पहले ही आपको बता दिया था। जैसे यहाँ लिखा है 7.504, मतलब दशमलव के बाद हम 504 न पढ़ के 504 पढ़ेंगे और उसमें से घटाना है 2.35। तो घटाने की प्रक्रिया कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 7.504 और इसमें से घटा देंगे 2.35, घटाने का चिन्ह लगा देंगे। इसके आगे कोई संख्या नहीं, यहाँ जीरो लिख देंगे। इसके जीरो लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चार में से कुछ नहीं गया, चार यहाँ जीरो में से पांच ले जाएगा, एक हासिल लेगा, तो दस में से पांच गया पांच, और यहाँ पे चार बचा था, चार में से तीन गया एक। देखिए ये एक हासिल ले लेगा तो ये दस हो जाएगा, और दस में से जैसे पहले हम पूर्णांक में करते थे वैसे इसको भी करेंगे, दस में से पांच गया पांच और ये चार में से तीन गया एक। और ध्यान रखने वाली बात है कि दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे और वहीं पे दशमलव उतार देंगे। सात में से दो जाएगा, क्या बचेगा पांच, और यही हमारी संख्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.853 में से घटाना है 30.984। क्वेश्चन है 32.853 और इसमें से घटाना है 30.984। तो घटाने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे एकदम, हम क्या कहते हैं कि दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ घटाने का काम करेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव उतार लेंगे। जोड़ने की प्रक्रिया में हमने क्या किया था कि जोड़ने के काम में हमने दाहिने साइड से जोड़ना चालू किया था और दाएं से बाएं की तरफ क्रम में जोड़ रहे थे और दशमलव के नीचे दशमलव उतारे थे, यहाँ पे घटाने में घटाने का काम करेंगे। जैसे तीन में से चार नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा तेरह, तेरह में से चार जाएगा, कितना बचेगा नौ, यहाँ बचा चार, एक हासिल ले चुका है तो पांच की जगह ये चार हो गया, ये फिर हासिल लेगा क्योंकि आठ नहीं जा पाएगा, चौदह में से आठ गया छह, अब आठ एक हासिल ले चुका है तो ये हो गया सात, अब ये भी क्या करेगा कि दो से एक हासिल लेगा तो ये एक हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा सत्रह, और सत्रह में से नौ जाएगा, सत्रह में से नौ गया आठ, फिर दशमलव के नीचे दशमलव एक और तीन में से तीन गया जीरो। इस तरह से हम क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया कर लेंगे। घटाने की प्रक्रिया हमने देखा कि जोड़ की प्रक्रिया से थोड़ा सा भिन्न थी। जोड़ में क्या कर रहे थे, हम नीचे लिखी संख्या और ऊपर लिखी संख्याओं को आपस में जोड़ रहे थे, दशमलव के नीचे दशमलव लिख रहे थे, दसवें स्थान के नीचे दसवां स्थान, सौवें स्थान के नीचे सौवां स्थान और हजारवें स्थान के नीचे हजारवां स्थान हम लिखते चल रहे थे। घटाने की प्रक्रिया में हमने क्या किया है, घटाने की प्रक्रिया में हमने इसके ठीक विपरीत कार्य किया है। इसमें क्या किया है कि घटाने का काम किया है, हासिल उसी तरह लिया है और दशमलव की जगह दशमलव लिखा गया है। आपको वर्कशीट भी उपलब्ध करा दी गई है, जो वर्कशीट नंबर 11 है उसमें घटाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दिया गया है, आप उसको पढ़िएगा और उस पर दिए गए सवालों को हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो वर्कशीट लगाई वो आपको कैसा लगा, और इसको भी लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।